सिंपलिसिटी का सीधा अर्थ है सरलता। सरलता का अर्थ होता है जो है सो है, सीधी सीधी बात, हम उसमें कोई टेढ़ी चाल नहीं चल रहे। जो कहा जा रहा है सो कहा जा रहा है, सुना जा रहा है सो सुना जा रहा है, उसमें कुछ नहीं आगा कुछ नहीं पीछा। कॉम्प्लेक्सिटी होती है मन की ग्रंथियां, और जब मन ग्रंथियों से मुक्त है तो उसी का नाम है सरलता। याद रखना सिंपलिसिटी का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुमने कपड़े कैसे पहन रखे हैं, तुम कैसी भाषा में बात कर रहे हो, इन सबको सिंपलिसिटी के लक्षण मत समझ लेना। ये सब बाहरी बातें हैं, ये सब आचरण की बातें हैं, ये मूल नहीं। बात समझ में आ रही है? कोई कम खाता है, कम खर्च करता है, कम पहनता है, तुम इसको सिंपलिसिटी मत जान लेना। सिंपलिसिटी का अर्थ होता है एक सरल चित्त, एक मन जो भटका हुआ नहीं रहता, एक मन जो जैसे को तैसा, जस को तस देख सकता है। समझ रहे हो बात को? एक मन जो धारणाओं में नहीं रहता, जो छवियों में नहीं रहता, वो है एक सरल चित्त। एक सरल चित्त वो होगा जो मुझे सुन रहा है, मेरी डिग्रियों को नहीं सुन रहा। समझ में आ रही है बात? जिसको जो स्पष्ट है सामने है वो दिखाई दे रहा है, उसका मन इस बात में नहीं भटका हुआ है कि डिग्रियां क्या है पीछे, इनकी पृष्ठभूमि क्या है, कहां से आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वो सब नहीं। सरलता का अर्थ होता है जीवन को पूरी तरह जीना, जीवन के लगातार संपर्क में रहना। सरलता का अर्थ है अपने ऊपर बेड़ियां न लाद के रखना, बंधन का बना के रखना। छोटे बच्चे को देखा है जब मन होता है नाच देता है, और तुम्हारे जबरदस्ती करने से नाचेगा भी नहीं, और तुम्हारा मन रखने के लिए वो कुछ करेगा भी नहीं, ज्यादा करोगे तो थप्पड़ मार देगा। ये सरलता है, साफ मन, निर्दोष, उस पर धब्बे नहीं लगे हुए। हाँ, छोटे बच्चे की सरलता होती है वो इसलिए आती है क्योंकि अभी उस पर गंदगी नहीं लगी है। तुमने अब जो सरलता आएगी वो ऐसे आएगी कि तुमने गंदगी को साफ कर दिया है, तो तुम्हारी निर्दोषता, तुम्हारी सरलता अब समझ के फलस्वरूप आएगी। बच्चा सरल अभी इसलिए है क्योंकि जीवन ने अभी उस पर धब्बे ही नहीं डाले। तुम अब सरल ऐसे होगे कि तुम्हें अपने धब्बों को साफ करना होगा, और तुम्हारी सरलता बच्चे की सरलता से बहुत आगे की सरलता होगी क्योंकि उसमें समझ भी होगी साथ में। बच्चे की सरलता में अभी समझ नहीं है, तुम्हारी सरलता में समझ भी होगी। समझ में आ रही है?